ब्रेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। केंद्रीय कैबिनेट ने एसपीजी एक्ट में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इस एक्ट में संशोधन का बिल अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि प्रस्तावित विधेयक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश करने के लिए सरकार की कार्य सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि एसपीजी एक्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। साथ ही कोई पूर्व प्रधानमंत्री और पारिवारिक सदस्यों का पद छोड़ने की तारीख से एक साल तक ये सुरक्षा मिलती है। एक साल के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और खतरे के स्तर के अनुसार आगे की एसपीजी सुरक्षा को तय किया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एसपीजी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में लगभग 3 दशक बाद भारत सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को लिट्टे द्वारा हत्या किए जाने के बाद गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा दी गई थी। इसके लिए सितंबर 1991 में एसपीजी एक्ट 1988 में संशोधन किया गया था। इसी माह उनकी सुरक्षा का विस्तृत आंकलन करने के बाद एसपीजी सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। अब गांधी परिवार को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त है। आपको बताते चले कि एसपीजी कमांडो एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं, जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक गन है। साथ ही कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं और साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। पीएम की सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा एसपीजी कमांडो तैनात रहते हैं। इन कमांडो को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है, जिसके बाद इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी की खासियत ये होती है कि ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक सब एसपीजी के ही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।